So, हम बात कर रहे थे राहुल की, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो कि सिर्फ 18 साल का है, पर वो अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। अब राहुल को एक लेवल ऊपर बढ़ना पड़ेगा और उसे सीखना पड़ेगा कि वो अपना अट्रैक्शन कैसे बिल्ड करे। अट्रैक्शन बिल्ड करना हम सीख रहे हैं सर, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, और आप बात कर रहे हो अट्रैक्शन बिल्ड करने की। सी, ज्यादातर लोग जब हम अट्रैक्शन की बात करते हैं, स्मार्ट दिखने की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है हम सिर्फ ऑपोजिट सेक्स के लिए बात कर रहे हैं, मतलब किसी मेल को फीमेल को अट्रैक्ट करना है या फीमेल को मेल को अट्रैक्ट करना है, सिर्फ हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, बट बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। सी, अगर आप अच्छे दिखते हो, आप लोगों को आकर्षित करते हो, मान लेते हैं एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वहां पे 100 लोग आए हुए हैं, पर अट्रैक्शन क्यों चाहिए? क्योंकि उन 100 लोग में आप अलग दिखो, आप अलग दिखोगे, आप अच्छे दिखोगे। देखो, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी अभी हम बात करने वाले हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होगी तो आप 100 लोगों में से अलग दिख रहे हो, तो आपकी बात को सुना जाएगा। सो हमें, हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि राहुल कल को किसी को कोई बिजनेस पिच करे, कोई उसके पास आइडिया है, या फिर वो कुछ सेल कर रहा हो, चाहे इंश्योरेंस सेल कर रहा हो या कुछ भी सेल कर रहा हो, लोग उसे सीरियस लें। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग राहुल का एग्जांपल हमने लिया है, तो राहुल जैसे हजारों लाखों लोग हमारे साथ है, तो राहुल और राधिका हो, कोई भी हो, ये सबके लिए वैलिड है। बट राहुल का अट्रैक्शन जब बिल्ड होना शुरू होगा तो लोग उसकी बात को सीरियस लेंगे, एंड ये हमारा मेन कंसर्न है कि लोग राहुल की बात को सीरियस लें। क्योंकि राहुल महज सिर्फ अभी 18 साल का है, तो 18 साल बहुत ज्यादा एज भी नहीं होती, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसा क्या है कि राहुल एक अट्रैक्शन बिल्ड कर पाएगा? अब यहां से सवाल आता है कि राहुल को क्या क्या अपने अंदर चेंजेस लेकर आने हैं, और राहुल को एक चीज सीखनी है जिसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, एंड दैट इज ड्रेसिंग सेंस। अब ये ड्रेसिंग सेंस के ऊपर जो मैं बात करने वाला हूं, ये क्यों जरूरी है, इसके ऊपर तो अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया, पर ड्रेसिंग सेंस के ऊपर ना अगेन स्कूल और कॉलेज में बात नहीं होती, ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज में भी बात नहीं होती, लोग ना एक्चुअल में ड्रेसिंग सेंस को समझते ही नहीं है। मेरे हिसाब से ड्रेसिंग सेंस, एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना, ये स्टेटमेंट नहीं है कि आप फैशनेबल हो, ये स्टेटमेंट है कि आपके पास अच्छे मैनर्स हैं। तो अच्छा ड्रेसिंग सेंस एक गुड मैनर्स की निशानी है, कहते ना कपड़े पहनने की तमीज होनी चाहिए, तो एक तमीज है, और जिसे कपड़े पहनने नहीं आते तो आप कह सकते हो एक बदतमीजी है। क्योंकि लोग बिजनेस कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स में चले जाते हैं, शादियों में चले जाते हैं, और वही, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, पर लोगों को कपड़े पहनने की तमीज नहीं होती। कपड़े पहनने की तमीज, कहां पर क्या पहनना है, कहां पर क्या पहनने से हम अच्छे लगेंगे, ये जानना जरूरी है। जरूरी है हर बार आप सूट और ब्लेजर पहनो, आप जींस और टी शर्ट में भी अच्छे लग सकते हो, पर कहां पर क्या पहनना है ये इंपॉर्टेंट है समझना। सो अगर राहुल कल को किसी बड़े आदमी से मिलने जाएगा, सो उसे क्या पहनना है, क्या क्या चीजें उसका अट्रैक्शन बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। इनफैक्ट अगर राहुल को डेट पर भी जाना है तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे, बिकॉज कोई बात नहीं करता, और इसमें कुछ गलत नहीं है ना, सीखना जरूरी है ना, कौन सिखाएगा राहुल को। सो आई होप कई सारे लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए मैं इस वीडियो पर ध्यान दे रहा हूं, और इस वीडियो को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, बस मैं इतना बता सकता हूं। अब हम शुरू करते हैं, अब हम ड्रेसिंग सेंस की बात कर रहे हैं और हम थोड़े से ज्यादा स्मार्ट दिखने की बात कर रहे हैं। सो स्मार्टनेस में सबसे पहले हमने ड्रेसिंग सेंस को ले लिया, फिर हम कुछ और चीजों के ऊपर बात करेंगे। सो अब ड्रेसिंग सेंस में क्या क्या, सी आप कपड़े पहनते हो, सब कपड़े पहनते हैं, पर कपड़ों में क्या पहनते हो, नंबर वन थिंग आपको इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ना अपना बॉडी फिट समझना पड़ेगा। सिर्फ बॉडी फिट ये जो लिख दिया, इसका मतलब क्या है? देखो, एक तो है हमारी हाइट, जो हाइट है हमारी, ये हमारे जीन्स के हिसाब से, हमारे मां बाप के हिसाब से, ऊपर वाले के हिसाब से, ठीक है, इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट आप कर सकते हो, तो इसे ही आपको समझना है, आपको अपनी बॉडी को समझना है। ये बॉडी जो फिट लिख दिया, इसे आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आती है आपकी हाइट, अगर आज राहुल की हाइट कम है तो राहुल को क्या करना है, पॉइंट नंबर वन, कोई बात नहीं करेगा इसके ऊपर, मेरी खुद की हाइट 6 फुट तो है नहीं, तो मुझे ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एक एक चीज से फर्क पड़ता है। अगर आप किसी लड़की से मिलने गए और लड़की की हाइट आपसे ज्यादा है, ठीक है, तो ये एक बड़ा ना नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि लड़कों को लंबा होना जरूरी होता है, ठीक है, जब शादी होती है तो ये बोला जाता है कि लड़की की हाइट लड़की से ज्यादा होनी चाहिए, है ना, बोला जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसी शादी हो ही नहीं सकती, ऐसी बहुत सारी शादियां सक्सेसफुल हुई है जिसमें लड़की की हाइट कम हो सकती है लड़की से, पर
आप ये समझो कि डिमांड किस चीज की है, डिमांड इस चीज की होती है, साइकोलॉजिकल डिमांड है कि हाइट लड़के की ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आज आपकी हाइट कम है तो आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर वन। सेकेंड, दूसरी चीज, आज आपकी बॉडी की जो शेप है, तो तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप ओवरवेट होगे, आपका वेट ज्यादा होगा, या आप फिट होगे, या फिर आप अंडरवेट होगे। तो ये तीन चीजें हो सकती है। अच्छा, इस पर आपका काफी हद तक कंट्रोल है। अगर आपको कोई बहुत बुरी बीमारी नहीं है तो 90% आप इसके ऊपर कंट्रोल लेकर आ सकते हो, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले हाइट से शुरू कर रहे हैं। देखो, हम आज ड्रेसिंग सेंस की बात कर रहे हैं। जब हम ड्रेसिंग की बात करते हैं तो ऐसी क्या चीज है जो हमारी हाइट बढ़ा सकती है? आपने बिल्कुल सही गैस किया, शूज। अब कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ना हील पहनना पसंद नहीं है। अगर शू में हील होती है तो लगता है कि यार हील होगी तो शायद चलने में उतना कंफर्टेबल ना हो। मैं खुद कॉलेज टाइम तक बिल्कुल फ्लैट पहनता था शूज, पर ये मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर आप एक अच्छे फॉर्मल शूज या इनफैक्ट कैजुअल भी लेते हो, एंड इट एड्स लाइक 1 inch आपकी हाइट में ऐड हो गया या 1.5 inch आपकी हाइट में ऐड हो गया, सो ये ना एक ड्रास्टिक डिफरेंस देता है आपके लुक्स को। अभी तो आप कैमरे में देख रहे हो तो आप मुझे पूरा नहीं देख सकते, पर अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं और अगर 1.5 inch का जो फर्क है ना वो इतना पता लगता है, ये हो गया 1.5 inch, बस जैसे मैंने थोड़ा सा ऊपर किया है, और ये जो फर्क है ना ये काफी फर्क होता है। ये हाइट के ऊपर ना आपको थोड़ा सा ध्यान देना, राहुल को ध्यान देना। तो इंडिया के अंदर सबकी हाइट ज्यादा नहीं होती, तो जो एवरेज हाइट होती है ना वो 5'4" 5'5" होती है, सबकी 5'6" 5'7" 5'8" 5'9" नहीं होती है, मुझे पता है, क्योंकि सबकी हाइट ज्यादा नहीं होती है। आप जब शू सिलेक्शन करोगे ना तो उस सिलेक्शन के ऊपर ध्यान दो। मैं महंगे सस्ते की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड की बात नहीं कर रहा। आप कितने का भी शू अफोर्ड करते हो उसके अंदर अगर थोड़ी सी हाइट है आपके लुक्स में हल्का सा एक एनहेंसमेंट आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपकी हाइट कम है तो आप और क्या कर सकते हो? अगर राहुल जिम जाता है तो वो क्या कर सकता है, वो टी शर्ट के साथ लोअर पहनने की जगह वो शॉर्ट्स पहन सकता है। हाँ, पैरों के जो बाल है ना उन्हें ट्रिम कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो जरूरी है क्योंकि हाइजीन इंपॉर्टेंट होती है ना, भालू लगना जरूरी नहीं। मतलब मेरा पर्सनल चॉइस है ये, आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। सो पर्सनल हाइजीन के ऊपर तो ध्यान देना ही है, उसके ऊपर अभी हम जस्ट बात करेंगे, पर पॉइंट यहां पर यह है कि टी शर्ट के साथ शॉर्ट्स जब पहनोगे तो हाइट थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, नेचुरल है। अब अगर आपकी हाइट कम है और आप क्या कर सकते हो? देखो, मैं डिटेल में बात कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता इस वीडियो पे व्यूज कितने आ रहे हैं, मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है यार कोई इंसान बड़ा सीरियसली मुझे सुन रहा है, एंड ओवर द इयर्स उसके लिए चीजें काम होनी चाहिए। मैं कुछ भी आज बता रहा हूं एक बार में कुछ नहीं होगा, पर आपको मेरी कोई ना कोई बात ध्यान रहेगी। हो सकता है आपको अच्छी लगे, हो सकता है आपको लगे यार पुष्कर ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। ये कुछ चीजें कोई बताता नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूं, मेरी ड्यूटी है, मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगा। ठीक है, आप किसी के लिए बहुत ज्यादा काम का हो, किसी कोई का यार जो ऑलरेडी 6 foot का है वो सुन रहा हो यार, वो कहे यार ये वाला अभी पॉइंट मेरे लिए सेंसलेस है, आगे बात करते हैं, तो आप सुन लो बस। ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सो एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप शर्ट पहनते हो और आपकी हाइट ऑलरेडी कम है तो आप जितनी ज्यादा लूज शर्ट पहनोगे उतना ज्यादा आपकी हाइट कम लगेगी। तो अगर आप लूज कपड़े पहनते हो और हाइट ऑलरेडी कम है तो आप और छोटे लगोगे, ये भी आपको समझना। इसके अलावा क्या है, जब आप शर्ट ही पहनते हो तो शर्ट में अगर आप स्ट्राइप्स पहन रहे हो तो स्ट्राइप्स दो तरीके की होती हैं। एक ऐसी स्ट्राइप्स होती हैं शर्ट में जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, और एक होती है वर्टिकल स्ट्राइप्स। अब पता सोने पर सुहागा क्या हो सकता है, आपकी हाइट कम है और आप मोटे भी हैं। अगर आपकी हाइट कम है और आप ओवरवेट भी हैं और आप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स पहनते हैं तो आप उतने अच्छे नहीं दिखेंगे, पर अगर आपकी हाइट कम है और आप वर्टिकल स्ट्राइप्स पहनते हैं सो वो हल्का सा अगेन वो एक फैक्टर है कि आप थोड़े से लंबे लग सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा लूज नहीं होनी चाहिए शर्ट। तो ये हाइट वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर ध्यान देना। अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, ऑनलाइन आप जाओगे तो आपको ना क्या मिल जाएगा, जैसे आप शूज के अंदर ना को हाइट एनहेंसिंग सोल्स मिल जाएंगे, तो सोल होते हैं शू के अंदर लग जाते हैं, तो उसमें क्या है आप चूज कर सकते हो कि आपको 1 inch चाहिए और हो सकता है इतना कंफर्टेबल ना हो, या 1/2 inch ले लो या 0.75 inches ले लीजिए, तो उससे क्या होगा आपकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा दिखेगी, आपको अपने आप एक कॉन्फिडेंस आएगा। बेसिकली क्या होता है, जिनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है वो लोग मेरी बात से थोड़ा सा ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे। हाइट थोड़ी सी ज्यादा होने से भी ना
फर्क पड़ जाता है। तो हर चीज से ना फर्क पड़ता जाएगा। हम 10 गुना स्मार्ट दिखने की बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, तो बात ना बहुत छोटी छोटी चीजों से होगी, बट होगी तो पूरी होगी। ठीक है, तो शूज की बात करी हमने, शर्ट की बात करी, यहाँ पे मैंने टी शर्ट और शॉर्ट्स की बात करी। लोग शॉर्ट्स नहीं पहनते, जितने ज्यादा लंबे शॉर्ट्स पहनोगे उतनी आपकी कम हाइट दिखेगी। शॉर्ट्स की हाइट भी आपकी ऑप्टिमम होनी चाहिए। बेसिकली क्या है कि जब हम घुटने की बात करते हैं, नी की बात करते हैं, तो नी से ऊपर होना चाहिए आपका शॉर्ट, तभी आपकी हाइट ज्यादा दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। बट हो सकता है कुछ लोग कंफर्टेबल ही ना हो शॉर्ट्स पहनने में, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। अब जब हम ओवरवेट की बात करते हैं, सर आप ना बड़े ध्यान से समझना, आज आप ओवरवेट क्यों है, क्योंकि शायद आपने इससे पहले कभी ध्यान नहीं दिया, या अगर आपने ध्यान दिया तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा आपकी रूटीन के ऊपर, आप क्या खा रहे हो और कितना वर्कआउट कर रहे हो। दो ही चीजें हैं हमारे, जो ये एनर्जी है ना, ये कैलोरीज के अंदर, आपको पता है हम जो खाना खाते हैं हम कैलोरीज ले रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी, अभी मैं खड़ा हूं बात भी कर रहा हूं, कैलोरी बर्न हो रही है। सो कैलोरी का इनफ्लो है और कैलोरी का आउटफ्लो है। अगर मेरा इनफ्लो ज्यादा होगा, मैं ज्यादा कैलोरी खाऊंगा और बर्न कम करूंगा किसी भी तरीके से, तो इकट्ठी होगी, और इकट्ठी होने की सबसे बढ़िया जगह होती है पेट, है ना। पेट पे सबसे ज्यादा आपका फैट चढ़ता है, चर्बी चढ़ रही है, वो चर्बी से फैट से नहीं चढ़ती, वो आप किसी अपने हेल्थ कंसल्टेंट से बात कीजिएगा, बट जितनी समझ मुझे है मैं उतना तो आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने आप को शेप में लाने का काफी प्रयास किया और अभी भी कर रहा हूं। तो ये जो फ्लैट टमी है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है टू बिल्ड अट्रैक्शन, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर किसी का पेट बिल्कुल ही बाहर होता, इट वॉन्ट लुक गुड। आपका बेल्ट से बाहर नहीं जाना चाहिए पेट, और लोगों का क्या होता है, बेल्ट होती है यहां पर, पेट अलटक रहा होता है यहां पर, और वो टोटली आपके ऊपर है यार, और वो अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। एक जो फिट आदमी होता है ना, फिट मेरे हिसाब से वो सिनोनियम है डिसिप्लिन का। एक डिसिप्लिन आदमी फिट होता है, क्योंकि अगर आपने डिसिप्लिन छोड़ा, आपने ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना शुरू किया, आपने ऐसी चीजें कंज्यूम करना शुरू किया, जंक फूड खाना शुरू किया, मीठा ज्यादा खाना शुरू किया, तो आप इस कैटेगरी से निकल जाओगे, फिट वाली कैटेगरी से अपने आप निकल जाओगे। फिट आदमी वही होगा जो डिसिप्लिन होगा। तो आप चाहे योगा कीजिए, चाहे आप सुबह सुबह आपको जो पसंद है एक्सरसाइज आप वो कीजिए, आप जिम जाइए, बट अपना गोल बनाइए कि मुझे फिट होना है, क्योंकि फिट होते ही आप अपना अट्रैक्शन बिल्ड करते हो। ओवरवेट होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, अंडरवेट होना, एक तो ना एज वाली बात होती है, होता क्या है, अगेन जब ऐसे कई सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं हम बहुत कुछ खाते हैं बट हमारे शरीर में लगता ही नहीं है, तो बढ़ती हुई उम्र में बेसिकली क्या होता है, वट एवर यू आर हैविंग ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ भी खाते हैं आपको लगता है कि शरीर पे नहीं लग रहा, पर एक टाइम आता है उन्हीं लोगों का जो एक टाइम पे तो बहुत स्लिम होते हैं पर उसके बाद ना वो डिसिप्लिन छोड़ देते हैं, कुछ भी खाने लग जाते हैं, क्योंकि लगता है कि यार हमारे शरीर पे तो लगेगा ही नहीं, और उसके बाद ना वो अंदर ही अंदर बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो दिखेगा नहीं। तो मैं न्यूट्रिशन के ऊपर, फिटनेस के ऊपर आज क्लास नहीं देने वाला, बट इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि इवन इफ यू आर अंडरवेट, आप न्यूट्रिशन को और फिटनेस को इग्नोर ना कीजिए, तो बस इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए सो दैट आप इस कैटेगरी से भी निकले, क्योंकि फिट होना जरूरी है। ठीक है, बिल्ड सम मसल्स। सो ज्यादातर जो अंडरवेट लोग होते हैं उनके मसल्स बहुत इमेच्योर होते हैं, ट्राई करो थोड़े से मसल्स बॉडी में बन जाए, क्योंकि अगर आप पहले से ही पतले हो तो पतला और कमजोर होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पतला होना एक अच्छी बात है बट कमजोर होना अच्छी बात नहीं है। कमजोर मतलब कि यू लुक वीक, वीक नहीं लगना, है ना। पतला होना अच्छी बात है बट वीक नहीं लगना। सो व्हेन यू विल बिल्ड सम मसल्स, सो बॉडी में हर जगह पे थोड़े थोड़े मसल्स आ जाएंगे, आपकी बॉडी शेप में लगेगी, यू लुक वेरी गुड। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बात करी, हमने शू की बात करी थी। जब हम जूते की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम ऑपोजिट जेंडर की बात करें, मैं राहुल को बता रहा हूँ, तो राहुल को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई आपने कभी ध्यान दिया कि लड़कियों के पास कितने जोड़ी फुटवेयर होते हैं, वो जो पहनती हैं, सैंडल्स पहनती हैं, हील्स पहनती हैं, कितने सारे होते हैं। लड़कों के पास जनरली आपको मिडिल क्लास फैमिलीज में देखेंगे 2 जोड़ी 3 जोड़ी, ज़्यादा नहीं होते हैं ना, पर लड़कियों के पास बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं उनके फुटवेयर सस्ते आते हैं, बात यह है क्योंकि वो फुटवेयर पर ध्यान बहुत देती है, एंड वो ऑपोजिट सेक्स के भी फुटवेयर पर ध्यान देती है। कि अगर एक लड़का है तो जूतों पर नजर जरूर जाती है, है ना। अब ऐसी पुरानी कहावत थी कि इंसान की औकात पता लग जाती है उसके जूते से, ऐसे कई कई कहावतें होती हैं, पर
डेफिनेटली लोग जूतों पर ध्यान देते हैं। सो जूतों पर आपको क्या ध्यान देना है इसे समझना है। सो बेसिकली आपके पास चार जोड़ी जूते होने चाहिए, फोर पेयर ऑफ शूज आपके पास होने चाहिए। अब आप कहोगे चार जोड़ी कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो दो तरीके की ड्रेसिंग होती है, एक होती है फॉर्मल ड्रेसिंग और एक होती है इनफॉर्मल ड्रेसिंग, ठीक है। तो इनफॉर्मल ड्रेसिंग और फॉर्मल ड्रेसिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जब हम फॉर्मल ड्रेसिंग की बात करते हैं, फॉर्मल मतलब जब आप पैंट शर्ट पहनते हो, सूट पहनते हो, ये हो जाती है फॉर्मल ड्रेसिंग। जब आप फॉर्मल ड्रेसिंग रखते हो तो आपके शू भी फॉर्मल होने चाहिए, है ना। अब फॉर्मल शू में बेसिकली हम पहले बात करेंगे कलर्स पे। तो आपके पास सिंपली एक ब्लैक कलर का या फिर टैन या ब्राउन कलर का आपके पास शू होना चाहिए। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये 99% आउटफिट्स के साथ चला जाएगा, आपको और कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा। सो ब्लैक और जो ब्राउन कलर है, टैन कलर है, ये आपकी 99% आउटफिट्स के साथ जाता है, ठीक है। अभी मैंने ब्लू कलर का सूट पहन रखा है तो ब्लैक भी जाएगा और ब्राउन भी जाएगा, पर अभी जो सूट पहना हुआ है इसमें कोई ऐसी चीज है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से सिर्फ मैं ब्लैक कलर का शू पहन सकता हूं, ब्राउन नहीं पहन सकता। आप बताइए वो क्या एलिमेंट है। मैं आपको 3 सेकंड देता हूं, देख लिया होगा आपने मुझे अच्छे से, मैं आपको बताता हूं। वो एलिमेंट है बेल्ट, क्योंकि मेरी बेल्ट जो है वो ब्लैक कलर की है इसलिए ब्लैक कलर का ही शू पहनना पड़ेगा। बेल्ट और शू का कलर स्टार्टिंग में, जब तक आपका एक्सट्रीम लेवल पे फैशन सेंस डेवलप नहीं होता तब तक एक ही होना चाहिए, ये लोग ध्यान नहीं देते। अगर मैंने ब्लैक कलर की बेल्ट के साथ ब्राउन कलर के शू पहने बिल्कुल ऑड लगेगा, बिल्कुल ऑड लगेगा। ये कलर जो होने चाहिए सिमिलर होने चाहिए, कलर सिमिलर, मैं सेम नहीं कहता क्योंकि हमेशा सेम आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे, पर अगर आप कोई शू ऐसा खरीद रहे हो जो बिल्कुल डिफरेंट कलर का, मान लो ग्रीन कलर का खरीद रहे हो या टर्कोश कलर का खरीद रहे हो, तो आपको बेल्ट भी उसी कलर की खरीदनी पड़ेगी। मैं बहुत ज्यादा हो सकता है गहराई की बात कर रहा हूँ बट जरूरी है। अभी हम बेल्ट के ऊपर बात करने वाले, बट हम पहले शू को खत्म करते हैं। तो आपके पास फॉर्मल में ब्लैक और ब्राउन होने चाहिए, और ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि अगर आपके पास ब्लैक और ब्राउन कलर के शू आ रहे हैं तो आपके पास बेल्ट भी ब्लैक और ब्राउन होनी चाहिए। आजकल रिवर्सेबल बेल्ट भी आती है तो आप रिवर्सेबल बेल्ट भी ले सकते हैं। अब हम इनफॉर्मल की बात करते हैं। यहां पर तो आपको समझ आ रहा है जब आप फॉर्मल खरीदोगे, अगर आपकी हाइट का मैंने बताया था हील वाले ले सकते हो, ठीक है। अब आप लोफर्स भी ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप फॉर्मल ड्रेसिंग के साथ भी लोग लोफर्स कैरी करते हैं, बट लोफर्स में जनरली हील नहीं मिलेगी, और अगर हील मिलती है और वो अच्छे लगते हैं तो यू कैन डेफिनेटली हैव नॉट अ प्रॉब्लम। इनफॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर लोफर्स तो इनफॉर्मल में ही आते हैं, तो फॉर्मल्स में नहीं आते बट फॉर्मल्स के साथ चले जाते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर आप लोफर्स ले सकते हो, एंड डेफिनेटली आपके पास एक अच्छे स्पोर्ट्स शूज हो सकते हैं। अब आपके पास एक सवाल आएगा, सर यहाँ पे आपने कलर बता दिया, यहाँ पे कलर नहीं बताया, तो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास व्हाइट कलर के अगर आपके पास शूज हैं इनफॉर्मल ड्रेसिंग के साथ, तो वो आपके अगेन मैक्सिमम आउटफिट्स के साथ चले जाएंगे। 80% आउटफिट्स के साथ व्हाइट कलर के शूज चले जाते हैं। अगर आप सिंपली एक, आप इमेजिन करो आप ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रहे हो, आपने जीन्स पहनी है ब्लू कलर की, तो व्हाइट कलर के शूज रहेंगे। अब आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले आओ, व्हाइट कलर के शूज 80% कॉम्बिनेशन के साथ चले जाते हैं। तो आप खरीद सकते हो और भी कलर्स, बट आप व्हाइट खरीद सकते हो क्योंकि व्हाइट अगेन अट्रैक्टिव लगता है, बट उसको थोड़ा सा मेंटेन करने की जरूरत है। अब हम बेल्ट की बात कर रहे थे, बेल्ट के ऊपर हम क्यों बात कर रहे हैं, ये बेल्ट आ जाता है एसेसरी में। अगर अभी मैंने जो बेल्ट पहनी हुई है, आप हो सकता है इसकी तरफ ध्यान दे रहे हो बिकॉज इसका बकल थोड़ा बोल्ड है, मैंने इसीलिए खरीदी थी। अब मैं इस बेल्ट को उतार देता हूँ आपके सामने, ठीक है। मैंने बेल्ट को रिमूव कर दिया, अब ये बेल्ट को रिमूव करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। क्या फर्क पड़ता है? कुछ तो फर्क पड़ रहा है, कुछ तो फर्क पड़ता है। ये जो 1-1, 2-2, 5-5% का डिफरेंस है ना, हर चीज से फर्क पड़ता है। अब मैं एक एक करके चीजें दिखाऊंगा आपको और फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बाद आपको ड्रेसिंग सेंस पे किन किन चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो अभी मैंने एक सिंपली से सिंपली अपनी एक रिंग हटा दी है, यहां से रिंग हटा दी, ओके। फिर मैंने अपना ये ब्रेसलेट भी हटा दिया, ठीक है, ये हटा दिया यहां से। अच्छा, जरूरी नहीं है यार गोल्ड का पहनना है, मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके आपको बिल्ड करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं यही पहनना है। आप बहुत सारे लोग देखोगे, अभी हो सकता है कई सारे लोग ना मेरी बातों से एग्री ना करें, उन लगे यार क्या बता रहा है पुष्कर, हम कई सारे लोगों को देखते हैं बिल्कुल सिंपल रहते हैं, बड़े बहुत अमीर है यार। अट्रैक्शन बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। गाड़ी तो होंडा सिटी भी अच्छी है, बट आपको बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है यार, और फिर उससे भी अच्छी अगर कोई चाहिए तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अगर आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वहां पे 100 खूबसूरत लड़कियां हैं, तो उन 100 खूबसूरत लड़कियों को ही क्यों आप देख रहे हैं,
बाकी भी तो लड़कियां हैं, लड़कियां तो सब है. You have to understand this, है ना? This is human psychology. So राहुल के लिए it is highly important to understand this. कोई जरूरत नहीं है मुझे समझ लो, कोई कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझने की जरूरत है. तो अभी मैं वॉच हटा रहा हूं और वॉच के ऊपर हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. अब एक और चीज मैं हटा रहा हूं, दैट इज चेन. मैं टाई भी पहन सकता था बट क्योंकि मैंने टाई नहीं पहनी तो मैंने चेन पहनी हुई. जिस दिन मैं टाई पहनता हूं उस दिन चेन पहनने की कोई जरूरत नहीं होती. अभी मैंने चेन भी हटा दी. अब मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज हटा रहा हूं, दैट इज दिस. दिस इज सिंपली एन आई वियर, ठीक है. अच्छा, किसी के नंबर होगा नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा पहनता हूँ, ठीक है, हमेशा. तो वो एक ब्लू लाइट फिल्टर की तरह भी काम करता है, बट अभी मैंने हटा दिया. अच्छा, अभी आपको हो सकते हैं कफलिंग्स दिख रहे हो, ये अभी मैं हटाऊंगा नहीं, बट सबसे पहले मैं इस ब्लेजर को हटा. ओके, तो मैंने इस ब्लेजर को हटा. अब हो सकता है ये ब्लेजर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है. सो ब्लेजर हटा दिया और मेरा माइक भी हट जाएगा यार, माइक लगाना पड़ेगा. हो सकता है थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया हो नॉइस का. सो अभी के लिए ब्लेजर हट गया है. ओके, सो अभी हम शर्ट में हैं. इसके बाद भी कई सारी और भी चीजें हैं बट वो सब नहीं हटेंगी, जैसे अभी मैंने बोला कफलिंग्स हैं. अब इस वीडियो को आप रिवाइंड कर लो थोड़ा सा, और जस्ट जितना टाइम मुझे लगा, हो सकता है एक मिनट लग गया हो, एक डेढ़ मिनट पहले जाइए, वो एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को लीजिए. मैं सेम पुश करूं, I'm the same person, ना? मेरा बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस सेम है, वो नहीं जा सकता, ठीक है, वो तो सेम ही रहेगा, पर कुछ फर्क दिख रहा है आपको. अब यहां से इमेजिन करो, इस तरफ से इसी ड्रेसिंग सेंस में एक लड़का आता है, एंटर करता है, और एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है सामने, और यहां से जैसा मैं पहले ड्रेस्ड अप था, यहां से एक लड़का आता है, किसकी तरफ ध्यान जाएगा? इंपॉर्टेंट है अटेंशन लेना. यार मैं एक बात बोलता हूं, आपको समझ आए तो बहुत बढ़िया है, बिजनेस वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है. अटेंशन इज मनी, अटेंशन इज मनी. आज नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए आज के लिए नहीं बन रही है, ये वीडियो आपके लिए बन रही है सालों के लिए. तो मैं अपने सालों का तजुर्बा आपको दे रहा हूं भाई, अटेंशन लेनी है. लड़कियां क्यों ज्वेलरी खरीदती हैं, इतने महंगे महंगे डायमंड नेकलेस क्यों खरीदती हैं? क्योंकि उन्हें अट्रैक्टिव दिखना होता है. ज्वेलरी वरना तो बंद हो जाएंगे ना शोरूम्स, बंद हो जाएंगे ना शोरूम्स, सारी लग्जरी कलेक्शंस बंद हो जाएंगी, कोई लुई वुटॉन नहीं खरीदेगा, कोई वर्सेचे नहीं, कुछ नहीं. व्हाई? बिकॉज़ इट इज इंपॉर्टेंट. कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें अट्रैक्शन बिल्ड करती है. अब हम दोबारा से आगे बढ़ते हैं. मैंने आपके सामने एक स्पेक्टिकल्स लगाए हुए थे. अभी मैं कोई ब्रांड की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा सस्ता महंगा, मैं बात कर रहा हूं ये स्पेक्टिकल मैंने लगाया. जैसे मैंने स्पेक्टिकल लगाया, कुछ परसेंट फर्क पड़ता है लुक्स पे. वो क्या फर्क होता है, क्योंकि लोग ना इस फ्रेम में देखते हैं, बड़े ध्यान से समझना. इस फ्रेम पे आप मुझे देख रहे हो, इस फ्रेम पे किसी को भी देखोगे तो सबसे पहले उसके चेहरे की तरफ देखोगे, है ना? जैसे ही जिस दिन से मैंने शेव करवाया, उस दिन से आपको सबसे पहले क्या फर्क लगा? यार पुष्य ने शेव करा लिया, है ना? पुष्य ने शेव कर ली. आपको मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कम होता वो नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां पर किसी का फर्क इतना जल्दी ध्यान नहीं जाता, सबसे पहले यहां पर ध्यान जाता है. तो ये एक फ्रेम है, और इस फ्रेम को आपको ब्यूटीफुल बनाना है, इस फ्रेम को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना है. सो अगर आप एक अच्छा आईवेयर पहनते हो, आईवेयर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. आप बोल्ड पहन सकते हो, बट आपके फेस के अकॉर्डिंग अच्छा लगना चाहिए, बट लोग तो देखेंगे. जैसे ही आपके पास एक अच्छा आईवेयर है, यू लुक अट्रैक्टिव, आपके लुक्स बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. दूसरी चीज होती है नेक, क्योंकि ये फ्रेम है, यहां तक लोग देखते हैं आपको, ठीक है. तो नेकलेस जो होते हैं, सारे नेकलेस यहां तक होते हैं. सो अभी चेन बोलो, नेकलेस बोलो. सो आई हैव दिस नेकलेस, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता गोल्ड का पहनो नहीं पहनो, बट नेकलेस तो पहनना है. अगर आपका गला खाली है, ठीक है, कई लोगों के लिए अच्छी बात है, कई लोगों को लग रहा होगा, बट सिर्फ खाली गला अच्छा नहीं लगता, ऐसा मेरा मानना है. मतलब, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो मेरा मानना है वो आपका मानना हो, पर जैसे ही मैंने ये चेन पहनी, थोड़ा सा ध्यान जाता है, क्योंकि अगर ये इसका बटन खुला हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान जरूर जाता है आपका. अगर आप, इफ यू आर वेयरिंग अ नेकलेस, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, वो चाहे आप अपने अमेज़न से 500 रुपए का कुछ मंगाया हुआ हो, पर ध्यान जाता है. एंड खाली नेक से ज्यादा अच्छा है कि इफ यू आर वेयरिंग अ चेन, ठीक है, दैट्स इट. देन लेट्स टॉक अबाउट वॉच, बिकॉज ये सारी एसेसरीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, एंड पीपल डू नॉट टॉक अबाउट एसेसरीज, बात ही नहीं करते. मैं थोड़ा सा वॉचेस का शौकीन हूँ, और ये बहुत महंगी घड़ी नहीं है मेरे हाथ में इस वक्त,
डजंट मैटर, पैसों की बात ही नहीं है, है ना, पैसों की बात ही नहीं है, ठीक है। सो आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ वॉचेस जो मैंने सालों में बिल्ड करी है, बट आज राहुल को क्या जरूरत है। देखो यार राहुल, अगर तू भाई, मैं राहुल से बात करता हूँ सीधा, तो राहुल अगर आप भाई अपनी पहली वॉच खरीद रहे हो तो आपका सवाल आएगा सर कौन सी वॉच इंपॉर्टेंट है। आपके पास जिस कलर के शूज है ना, उस कलर से मिलती हुई वॉच लोगे बहुत अच्छा रहेगा। और पहली वॉच ले रहे हो तो आप स्ट्रैप वॉच लो, स्ट्रैप वॉच लो, आप चेन वॉच मत लो, पहली घड़ी ले रहे हो तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप पहली बार घड़ी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, गो फॉर अ स्ट्रैप वॉच। उसका रीजन बता देता हूं, होता क्या है जब आप स्ट्रैप वॉच लेते हो, देखो मैं लेदर के तो सपोर्ट में नहीं हूं बिल्कुल भी, बट लेदर हो रेक्सिन हो तो थोड़ा सा ना मस्कुलर लगता है, इट लुक्स अ लिटिल मस्कुलर। बहुत छोटी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप ब्राउन कलर के शूज हैं आपके पास, तो ब्राउन कलर के स्ट्रैप के साथ एक अच्छी वॉच ले सकते हो, डिसेंट वॉच। पैसों की बात नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देखो, बट वॉच पहनने से फायदा और नुकसान देखो किसी चीज का नहीं है। सारी चीजें सिर्फ आपके अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाती है, क्योंकि लोग ध्यान देते हैं इन चीजों के ऊपर, आपकी वॉच के ऊपर लोग ध्यान देते हैं। मैं लोगों की वॉच की तरफ ध्यान देता हूँ। अभी हुआ क्या, एक सेमिनार में मेरे से एक लड़का मिलने आया और उसने बोला सर मैं ट्रेड करता हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और उसने सिंपल कपड़े पहने हुए थे, एक सिंपल टी शर्ट, एक सिंपल जीन्स पहनी हुई थी, बट उसने 60 लाख रुपए की घड़ी पहन रखी थी। अच्छा, मुझे घड़ियों का शौक है तो मैं ऐसे पहचान सकता हूँ कि घड़ी कितने की है, ठीक है, 60 लाख रुपीज़ की वॉच थी उसकी। सो मुझे पता है कि मैं किसी से बात जिससे कर रहा हूँ वो आदमी कोई आम आदमी नहीं है। एंड ये चीज मैंने ओवर द ईयर्स देखी है, लोग आप एयरपोर्ट पे जाओगे कई सारे लोग आपको देखेंगे, बड़े सिंपल से देखेंगे, बट उनकी वॉच उनकी औकात बता देती है। ये तो हुआ, वॉच महंगी थी, बट सिर्फ महंगे से फर्क नहीं पड़ता, लोगों का ध्यान जाता है हाथ पर। तो चाहे वॉच 5,000 की हो, चाहे 50,000 की हो, चाहे 10,000 की हो, वॉच ना होने से अच्छा है कि वॉच हो, ठीक है। ओके, सो रिंग्स एंड ब्रेसलेट, दिस इज 100%, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये तो मतलब मेरा शौक है। सो मैं पहनता हूँ क्योंकि लोग देखते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है, सो मुझे अच्छा लगता है, तो ये तो 100% इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये डबल हो गए रेट जब से लिए। बट है क्या चीज़ कि ये एसेसरी है यार, 100% एसेसरी है। तो बात क्या है कि 500 की हो या 5 लाख की हो, इट डजेंट मैटर, बट ये एसेसरीज है और लोग इसकी तरफ देखते हैं। ओवर नहीं होना चाहिए, बप्पी लहरी बनने की जरूरत नहीं है, बट आप कहोगे यार दिस इज टू मच गोल्ड दैट इफ पीपल कैन से दैट, बट डेफिनेटली योर चॉइस यार। और आप कौन से सेटअप में जा रहे हो, आप ये मतलब आप ज्यादा ज्वेलरी पहन के रोड पे नहीं चल सकते, आप समझ रहे हो, दैट इज व्हाट यू कैन नॉट डू, आप नहीं कर सकते, पर आपको समझना पड़ेगा कब ज्यादा हो रहा है कब कम हो रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अभी के लिए मैं अपने ग्लासेस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, एंड ब्लेजर पहन लेता हूँ, तो आपको समझ आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। अब ब्लेजर पर भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये भी मैंने ओवर द ईयर सीखा है और ये डिटेल में क्लास हो रही है, तो लोगों को ना बिल्कुल नहीं पता होता कि ब्लेजर में क्या फर्क होता है। मतलब मेरा एक ब्लेजर में और आप सीधा जाके किसी भी ब्रांड से जाके ब्लेजर खरीदोगे उसमें क्या फर्क है, ये सस्ता है उससे, आप जो भी ब्रांड से खरीद के ला रहे हो, तो पैसों की तो बात ही नहीं है। बात क्या होती है कि पीपल जस्ट डू नॉट नो कि जब आप कोई कपड़ा सिलवा रहे हो सो फर्क होता है, ये गल्फी में फर्क होता है, ये जो कॉलर है इसमें फर्क होता है, यहां पर मैंने एक ब्रोश लगा रखा है, ये छोटा सा ब्रोश ये क्या क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ये डिफरेंस क्रिएट करता है, हर चीज डिफरेंस क्रिएट करती है। ये सारी एसेसरीज को आज हम समझ रहे हैं और मैंने काफी टाइम लिया एसेसरीज समझाने में। एसेसरीज पर इन्वेस्ट करो, चाहे 100 रुपए का पॉकेट स्क्वायर हो, बट जब आपका पॉकेट स्क्वायर पॉकेट में होता है इट लुक्स गुड। आपका चाहे ब्रोश कितने का भी हो बट इट लुक्स गुड, एंड डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना जरूरी है। मैं बेल्ट पहन लेता हूँ यार क्योंकि मुझे ऑड लग रहा है। सो ऑडिट कंटिन्यू करते हैं। सो शायद मैं पुराने जैसे अटायर में था वैसे ही आ गया हूँ, बट जैसे मैंने आपको बताया हर छोटी छोटी चीज से फर्क पड़ता है। आप वही शर्ट बनवाने जाओगे, आपका टेलर ऑलमोस्ट उतने ही पैसे लेगा, हो सकता है थोड़े से ज्यादा ले ले, बट अगर आप उसे बोलोगे यार मेरे ना बटन हाइड कर दे, जो बटन है ना दिखने नहीं चाहिए, बेसिकली जब आप फिट हो जाओगे ना आपकी चेस्ट थोड़ी सी बाहर आएगी, ये जो बटन है ऊपर वाला खुलने लग जाएगा। अब देखो क्या होता है, जब ये बटन्स होते हैं ना, ये ऐसे बटन्स अच्छे नहीं लगते अगर आपके बटन्स दिख रहे हैं। सो अगर आप टेलर मेड कपड़े पहनते हो, टेलर मेड पहनने मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो फिट आते हैं। सो आप अपने टेलर को बोल सकते हो इसे हाइड कर दे, आप हाइड करोगे तो वो थोड़ा सा अच्छा कर सकता है, जैसे यहाँ पे स्ट्राइप लगाई हुई है मैंने, आप भी कुछ भी करवा सकते हो। तो टेलर को आप बोलोगे तभी वो करेगा, वरना वो एक्स्ट्रा पेन नहीं लेते। आप उन्हें बोलोगे गल्फी लगानी है, बटन्स बढ़ाने हैं, वो तभी बढ़ाएगा, वरना नहीं बढ़ाएगा।
आप उसे बोलोगे इस तरीके के, जैसे पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, ड्रैगन कॉलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इस तरीके कॉलर रखोगे तभी रखेगा, वरना वो सिंपल कॉलर डाल देगा। और हर चीज से फर्क पड़ता है। कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने शू की बात करी, बेल्ट की बात करी, हमने वॉच की बात करी। अच्छा, जब भी मैं टेलर मेड शर्ट बनवाता हूँ सो हमेशा कफलिंग्स पहनता हूँ। ये सब चीजें ना मैंने बहुत पहले सीखी थी, और ये छोटी छोटी चीजें हैं बट लोग इनकी तरफ ध्यान देते हैं। अब मेरे पास ऐसी बहुत सारी एंडलेस स्टोरीज हैं। मैं किसी के घर पे गया तो वहां पर एक बच्चा था, उसने बोला कि पापा इन्होंने तो बहुत महंगी शर्ट पहन रखी है। अच्छा, मैंने महंगी शर्ट नहीं पहनी हुई थी, मुझे पता है, बट पॉइंट क्या है कि शर्ट महंगी लगती है अगर आपने उसमें कफलिंग ऐड कर दिया। तो बहुत छोटी सी चीज है। तो ये छोटी छोटी चीजें अट्रैक्शन बिल्ड करेंगी। ड्रेसिंग सेंस के ऊपर हम बात कर रहे थे। अब राहुल को ड्रेसिंग सेंस को इमीडिएटली इंप्रूव करने की जरूरत है। पहली बात तो आपका बॉडी फिट समझो, हाइट को समझो। अगर आज आप ओवरवेट हो तो फिट हो जाओ, फिट हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद अब आप सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कब लगोगे? आप सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव सिर्फ ड्रेसिंग सेंस से नहीं लगोगे, आपको ओवरऑल चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अब यहां तक आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो गया, राहुल की मैं बात कर रहा हूं, राहुल आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो गया, बट कैसा लगेगा? आपका ड्रेसिंग सेंस तो बहुत अच्छा है बट आपके ना नेल्स इतने बड़े बड़े हैं और उसमें ना ऐसा लग रहा है कि गंदगी आ गई है, और कोई आपसे मिलता है, हैंडशेक करता है और आपके नेल्स की तरफ देखता है, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना? अच्छा ही लगेगा। आप इमेजिन करो, आप किसी लड़की से मिलते हो, किसी पार्टी में मिलते हो, वो लड़की आपके पास आती है, वो डांस कर रही थी और वो आपके पास आके बात करना शुरू करती है, और आपको ना उसके बालों से स्वेटिंग की स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है कि उसने हेयर वॉश नहीं किया हुआ काफी टाइम से, आपको कैसा लगेगा? आप जिम में जाते हो, बहुत खूबसूरत लड़की है वहां पे वर्कआउट कर रही है, आप उसके पास जाते हो और एकदम से वो आपकी तरफ देखती है और स्माइल करती है, और स्माइल करते ही आप देखते हो उसके दांत जो है ना वो थोड़े से ना लाल लाल हो रहे हैं, जुमा केसरी हो रहा है, आपको कैसा लगेगा? आपको सर क्या बातें कर रहे हो, बिल्कुल अच्छा ही लगेगा। सो ये पर्सनल हाइजीन है यार, पर्सनल हाइजीन है। ये मेरे फादर ने मुझे बचपन से सिखाया है, बेटा चाहे सुबह उठ के कितनी जल्दी भी कहीं पर भी जाना हो, हमेशा ना बाल बनाकर जाओ, 2 मिनट लगते हैं बट बाल बनाकर जाओ। ऐसा लगना नहीं चाहिए, तुम सुबह उठ के बेड छोड़ के एकदम से भी गए हो तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सो के उठ के आ रहे हो, बट लोग ध्यान नहीं देते, कभी ध्यान नहीं देते। बट ये छोटी छोटी चीजें आपको अलग बनाती हैं। तो मैं राहुल को ये बता रहा हूं, भाई कितनी जल्दी में हो, 2 मिनट लगाओ, बाल बना कर जाओ। एंड आज आपको अच्छा दिखना है, अट्रैक्टिव दिखना है, स्मार्ट दिखना है, गेट अ फ्रेश हेयर स्टाइल। आप किसी अच्छे सलून पर जाइए, महंगे सस्ते की बात नहीं है, बट अपने फेस कट के हिसाब से उन्हें बोलिए एक अच्छा हेयर स्टाइल मुझे दे दीजिए। अगर आप बियर्ड रखते हो तो मेंटेन रखिए। अगर कोई भी लड़की है, भाई वो डांस कर रही है, उसने हेयर वॉश, क्योंकि लड़कियां डेली हेयर वॉश नहीं करती है, तो वेयर अ गुड फ्रेग्रेंस ऑल द टाइम, ये तो गोज विदाउट सेइंग है ना। अगर आप किसी के सामने से निकल रहे हो तो उसे भाई खुशबू आनी चाहिए यार, ये तो सब सिखाते हैं। कौन सिखाता है? नहीं सिखाते लोग, ये सीखना जरूरी है, ये पर्सनल हाइजीन का पार्ट है। आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आप वहां पर बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन ड्रेसअप होकर जाते हैं, बट कोई इंसान आता है वो बोलता है यार मेरी बस छूट गई, फिर मैं इससे आया, फिर मैं ट्रेन से आया, और अभी है ना आपको वो दिख रहा है यार उसकी जो शर्ट है ना व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, पूरी स्वेटिंग हो रही है, और वो कह रहा है पसीने आ रहे हैं और मैं लेट हो गया हूं, मुझे अंदर जाना है। आज आप साथ में बैठे हो, आपका नेक्स्ट नंबर है, उसका आपके बाद है, आपको पहले पता भाई इसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि जो आपको स्वेटिंग में दिख रहा है इस वक्त वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, बट उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम जेन्युइन थी, बट अगर उसे इंटरव्यू में जाना है तो इस वक्त उसे क्या करना चाहिए? वो आ गया है, वो दूर से आया, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा टाइम ले, एक बार वॉशरूम में जाए, उसका स्वेट पूरी तरीके से मतलब चला जाए, और उसके बाद थोड़ा सा अच्छा फ्रेग्रेंस कैरी करने के बाद, थोड़ा फ्रेश लगने के बाद उसे इंटरव्यू में जाना चाहिए। आपको खुद लग रहा है ना ऐसा, बट लोगों को समझ नहीं आती ये चीजें, लोगों को, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं होता यार। सो फाइनली इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी है, देखो मैंने आपको बताया कि अगर आपको अट्रैक्टिव दिखना है तो थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस पे काम करना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, एसेसरीज की बात करी आपको, कलर कॉम्बिनेशंस की बात करी, जो कपड़े हैं उसके ऊपर हम डिटेल में बात कर सकते हैं, बट ये सब चीजें आप इंटरनेट पे भी थोड़ा सा समझ सकते हो, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मुझसे भी अच्छी फैशन सेंस है, वो आपको काफी अच्छा गाइड कर पाएंगे, पर जहां तक मेरी समझ है
उतना मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अच्छा, कई सारे लोग होंगे, हो सकता है उन्हें मेरा ही फैशन सेंस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हो, तो इट इज 100% ओके। देखो, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मुझे सब कुछ आता है या जो मैं बता रहा हूँ वही 100% करेक्ट है। अगर आपको लगता है कि जो मैंने बताया भाई इसमें से कुछ चीजें मेरे काम की है, कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा, 100% ओके। बट जितनी मेरी समझ है मैं कोशिश करता हूँ कम से कम उतनी तो बता दूं। उसके बाद टोटली योर चॉइस है, आपकी लाइफ है, आपको कैसे जीना है। पर राहुल को क्योंकि बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो मैं चाहता हूं जब वो बड़ा आदमी बने ना तो वो अच्छा दिखे। और वो उस वक्त बोले कि यार अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरीके से तैयार होना फैशन नहीं है, गुड मैनर्स है। सो आज हमारी बेसिकली क्लास गुड मैनर्स के ऊपर थी, हमने हाइजीन के ऊपर बात करी एंड हमने डेफिनेटली बात करी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके अट्रैक्शन को बढ़ा सकती है। एक और चीज होती है, टाई पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए। आपको टाई डेफिनेटली पहननी चाहिए अगर आप कोई बिजनेस सेटअप के अंदर जा रहे हो। रीजन क्या होता है, सो एक बहुत पुराना इसके ऊपर स्टोरी है कि जो लोग बेसिकली चर्च में होते थे ना, वो गले में कुछ टाई जैसा, उस टाइम एग्जैक्ट टाई नहीं होती थी, कुछ वैसा पहनते थे, तो वो लोगों का क्लियरली पता लगता था कि भाई ये चर्च से जुड़े हुए हैं और ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये सच बोलते हैं लोग, ऐसा होता था। तो वो रिलीजन से रिलेटेड था। उसके बाद उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या था, जब भी हम टाई को बांधते हैं, हम नॉट बांधते हैं, तो वो ऐसे 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 करके होता है ना, तो जो ये है बेसिकली आपको पता है जीसस क्राइस्ट का साइन है, तो लोगों को ऐसा लगता कि गले में ना उन्होंने जीसस क्राइस्ट को पहना हुआ है। तो जब लोगों ने बिजनेस करना शुरू किया, खासकर सेल्स के अंदर किसी को कुछ प्रोडक्ट बताना शुरू किया, कोई डेमोन्स्ट्रेशन देने शुरू करे, तो उन्होंने टाई जैसी चीजें पहननी शुरू करी। एग्जैक्ट टाई नहीं, आप देखोगे मैकडॉनल्ड्स में अगर आप जाओगे तो वहां के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके की टाई पहनते हैं, यहाँ पे ऊंची ऊंची। तो पहले के जमाने में वैसी ऊंची ऊंची टाइयां होती थी, अभी ये पूरी कवर हो जाती है, तो सारे बटन कवर हो जाते हैं बेसिकली। बट टाई को आपकी बेल्ट के नीचे नहीं आना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है, टाई हमेशा बेल्ट के ऊपर होनी चाहिए। सो आप टाई जब पहनते हो तो टाई के साथ आपका पॉकेट स्क्वायर मैचिंग हो, ये आपको इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है, या फिर कॉन्ट्रास्ट में हो। दूसरी चीज, जब आप टाई पहनते हो तो अगेन अंदर ही अंदर वो एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन होता है कि ये आदमी सच बोलता है, ये आदमी प्रोफेशनल है। सो प्रोफेशनलिज्म का साइन होता है टाई पहनना। टाई पहनना सेल्समैन का साइन नहीं होता। रतन टाटा जी भी टाई पहनते हैं, वॉरेन बफे भी टाई पहनते हैं। तो डिपेंड क्या करता है कि आपको पता होना चाहिए, और अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे देखो, एंड आगे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सो अब जहां तक मुझे पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी थी, जहां तक मुझे आपके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बात करनी थी, आपके अट्रैक्टिवनेस को बिल्ड करने के ऊपर बात करनी थी, मैंने काफी बात कर ली है। बट ये सीरीज है फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, सो अब आने वाले टॉपिक्स के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, और हम बात करने वाले हैं कैसे राहुल फाइनेंशियली आगे बढ़ने वाला है। So, अभी तक की सीरीज आपको कैसी लग रही है? इनफैक्ट कुछ मैंने टॉपिक्स अपनी तरफ से जो ऐड करे मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, आपको ये कितने इंपॉर्टेंट लगे, और आपको इस वीडियो स्पेसिफिकली इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड इस वीडियो को बिना बोले शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस सीरीज के अंदर जो ये इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी है बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है। इनफैक्ट सिर्फ एक ही वीडियो काफी नहीं है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, मुझे पता है कि आप लोगों को काफी डिटेल में सीखने की जरूरत है। सो इस सीरीज में तो हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे, बट अगर आपको डिटेल में सीखना है तो हमने एक एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम से ऑलरेडी कोर्स बनाया हुआ है, उसके अंदर 2 महीने की आपको ट्रेनिंग मिलती है। तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस नंबर पर कॉल करके आप इस कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं। तो आपको लगातार अगर आपको लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है, तो अलग अलग डोमेन्स के ऊपर हमने काम किया हुआ है, आप इस नंबर पर कॉल करके इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सो हम बात कर रहे हैं राहुल की। सो राहुल की जब हमने स्टोरी शुरू करी थी तो राहुल को जो बेसिक चीजें पता होनी जरूरी है, यहां तक कि जब वो अच्छे लोगों से मिलेगा, अच्छी संगत में जाएगा, एफिलिएंट लोगों के बीच में जाएगा, तो उसको क्या क्या अपने अंदर इंप्रूव करना है, क्या क्या उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आने जरूरी है, धीरे धीरे उसकी ड्रेसिंग सेंस में क्या चेंजेस आने जरूरी है, ये हमने अभी तक कवर किया। पर अब राहुल की आगे जो स्टोरी कंटिन्यू होने वाली है आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन जिससे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें, एंड शेयर दिस वीडियो। गो सेल्फ मेड। जय हिंद।